हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में नोवा कोर क्रीम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। नोवा कोर क्रीम का मेनली यूज फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस क्रीम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये क्रीम कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस क्रीम के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस क्रीम से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सिगुल फार्मा कंपनी की ये 15 ग्राम की ट्यूब आपको मेडिकल स्टोर पर 45 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते हैं इस क्रीम में मौजूद कंटेंट के बारे में। नोवा कोर क्रीम में क्लोबेटासोल, मिकोनाजोल, नियोमाइसिन यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद क्लोबेटासोल यह एक स्टेरॉयड ड्रग है। यह प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को ब्लॉक करता है, जो त्वचा में लालपन, सूजन और खुजली का कारण बनते हैं। मिकोनाजोल यह एक एंटीफंगल ड्रग है, जो फंगी को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोककर उसे बढ़ने से भी रोकता है। इसमें मौजूद नियोमाइसिन यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है, जो बैक्टीरिया को किल करता है और उन्हें दोबारा होने से रोकता है। बात करते हैं इस क्रीम के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस क्रीम का मेनली यूज़ फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर इसे डर्मेटाइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। डर्मेटाइटिस में त्वचा पर लालिमा के साथ सूजन और जलन होती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें त्वचा पर चटक्के होने के साथ खुजली और सूजन भी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस त्वचा से जुड़ी एक आम स्थिति होती है, जो मुख्य रूप से सिर को प्रभावित करती है। इसमें प्रभावित हिस्से पर पपड़ीदार चटक्के, लाल त्वचा और रूसी जैसी समस्या होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन या उत्तेजक पदार्थ के संपर्क में आने से त्वचा पर लाल और खुजलीदार चटक्के बनने की स्थिति को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे कैंडिडियासिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज़ करते हैं। कैंडिडा इन्फेक्शन को ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। कैंडिडियासिस एक प्रकार का फंगस होता है, जो त्वचा में किसी भी जगह पर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सेलुलाइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सेलुलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सेलुलाइटिस में त्वचा में सूजन और लालिमा आ जाती है, जो छूने पर गर्म लगती है और उसमें छूने पर दर्द भी महसूस होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। इसे स्किन इन्फेक्शन होने की समस्या, जैसे दांत, खाज, खुजली की समस्या दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस क्रीम के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मेसी से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस क्रीम का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इस क्रीम के इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस क्रीम का इस्तेमाल करने का तरीका अपने डॉक्टर से निश्चित कर ले। आप इसे यूज करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर ले और इन्फेक्शन वाली जगह को भी अच्छी तरह से साफ करके ले और इस क्रीम को इन्फेक्शन वाली जगह पर लगा दे। आप इसे दिन में 2 बार इसे इन्फेक्शन वाली जगह पर लगा सकते हैं। साइड इफेक्ट इस क्रीम के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपको स्किन में खुजली आना, बाल झड़ना, जलन, स्किन में रूखापन होना, स्किन पतली होना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस क्रीम को यूज़ करते समय सावधानियाँ। अगर आपको इस क्रीम के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस क्रीम में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस क्रीम का यूज़ न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य क्रीम, लोशन इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस क्रीम का ड्रग इंट्रैक्शन होने की संभावना कम होती है। अगर आपको स्किन से जुड़ी अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस क्रीम को जख्म पर न लगाएं। इस क्रीम को केवल एक्सटर्नल यूज़ करें, इसे बाहरी इस्तेमाल के लिए ही यूज़ करें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।